कांग्रेस के महापौर पद की प्रबल दावेदार सुभद्रा सिंह की नाराजगी और महापौर प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताते हुए भाजपा नेताओं ने अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी, साथ ही भाजपा का महापौर और सभापति बनने की बातें कही। अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर मंडल के अध्यक्ष। ये अभी जो हाल फिलहाल की जो घटना हुई है अभी परिसर में देखा है, इसके बारे में इनका क्या कहना है ये अभी अभिजीत जी बताएंगे। अभी जिससे जो कांग्रेस की जो महापौर के प्रत्याशी है उनके द्वारा जिस तरह से अभी कहा गया अपनी नाराजगी जाहिर की गई, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से नाराजगी जो उनके द्वारा जाहिर की गई है और कहीं ना कहीं ये उनकी पार्टी में एक बहुत बड़ी कमी रही है, जो ऐसा जो कार्य किया गया एक वरिष्ठ नेत्री द्वारा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे हमें वरिष्ठों द्वारा मार्गदर्शन करके जो पारिवारिक माहौल मिलता है उसकी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी कमी दिखाई दी, इसीलिए ऐसे विरोध के स्वर उनके अंदर ही पार्टी में जो निकल के बाहर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये उनकी पार्टी की दृष्टिकोण से अच्छी बात है। वरिष्ठ नेता शंकरलाल देवांगन जी भी हमारे साथ मौजूद है, इस बाबत इनका क्या सोचना है ये अभी से? हाँ देवांगन जी, अभी जिस तरह से अभी नाराजगी जाहिर की गई सुभद्रा सिंह जी वो भी एक सशक्त प्रत्याशी है, आपका क्या कहना है? अब उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है, व्यक्तिगत उनकी अपनी जो भी होगी पार्टी की अनुशासन अपने उनको ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक रूप से एक सामान्य सीट का उम्मीदवार की दृष्टि से अपना वो दावा प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त हो रहा है और स्वाभाविक रूप से इच्छा के अनुरूप उनका अपने नाराजगी जाहिर किया होगा। इच्छा के अनुरूप नाराजगी जाहिर की होगी क्योंकि अभी सामान्य सीट है। इस मामले में प्रमोद सिंह जी का क्या कहना है? सूचना जैसा मिल रहा है कांग्रेस से बढ़ी है, अब इस परिस्थिति चेंज हुई है, इस पर हमारे संगठन और सांसद जी संगठन हमारे तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी का आगे की रणनीति क्या होती है सभापति महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि निर्दलीयों की संख्या उनके साथ, हालांकि इस देखा जाए तो चूंकि अभी यहाँ पर कांग्रेस जो एक आंकड़ा उसे पूरी तरह से पार कर चुकी है, तो कुछ ही क्षणों में यह स्पष्ट हो सकेगा कि शहर भिलाई की शहर सरकार का मुखिया और सभापति कांग्रेस का होता है अथवा बीजेपी का, क्योंकि अभी सुभद्रा सिंह जी द्वारा सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की गई है। इस उनकी नाराजगी से हालांकि स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह होगी कि उनकी नाराजगी का सामना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय।